नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्ट स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ राहुल जॉय। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का आज हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के पास में आज उनका जो मूर्ति आज उसका लोकार्पण किया गया है। आपको बताते चले कि इस समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े हस्तियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यही वो मूर्ति है लालजी टंडन की जो जिसका लोकार्पण किया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 12.5 फीट की है और इस मूर्ति को बनाने के लिए 28 दिन से भी कम का समय लगा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में समारोह में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा ने भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत ली है। जिन्हें आप लोग माता जी कहकर पुकारते थे, मैं उन्हें माता जी तो नहीं कहूँगा बल्कि आदरणीय भाभी जी ही मैं कहता रहा हूँ। जब भी हमारी टंडन जी से उनसे बातचीत होती रही है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सबसे पहले मैं नगर निगम लखनऊ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ कि जिन्होंने लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। ये आज जो मूर्ति का अनावरण देख रहे हैं, ये हम लोग के संरक्षक और पिता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को इसने देते रहे और ये अटल जी के जैसे अटल जी राम थे तो ये उनके लखन के रूप में भी पूरा काम करते थे लखनऊ में और जो भी जिम्मेदारी मिलती थी बाबूजी बाखूबी निभाते थे। उन्हीं का अनुसरण करके हम सभी लोग इस मूर्ति का जो हम लोग सदन में इस मूर्ति के का पास कराया कि इनकी मूर्ति बाबूजी के मरणोपरांत इस मूर्ति को यहाँ लखनऊ में हजरतगंज में स्थापित की जाए, ये जगह चिन्हित की गई और नगर निगम में सदन में पास करके इस मूर्ति का अनावरण आज हो रहा है जिसमें बाबूजी का स्मरण हम लोगों को आता रहे और जो भी गलतियां करें इससे सीख लेकर के सुधार करते रहें। आज हमारे लालजी टंडन जी की वो उसमें आए हैं हम लोग और हम लोग को बहुत ही अब गर्व महसूस हो रहा है। आज उनकी मूर्ति हजरतगंज में साहू मार्केट के बगल में वहाँ पे बनाई गई है और नई हुई है, उपस्थित हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे आ गए, उनसे बहुत प्रवास हो रहे थे, हम लोग बहुत उनसे सीखते थे, वो इतने अच्छे गुरु थे हम सभी लोगों के, पूरे राजनीति के। हम उनसे बस यही कहना चाहेंगे और प्रेरणा देते थे वो हम सभी लोगों को। हमें आज उन्हीं की पुष्टि में माननीय राजनाथ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, कौशल प्रसाद मौर्य जी सभी यहाँ पे उपस्थित थे और हम सभी लोग भी यहाँ पे उपस्थित थे और बहुत बहुत बस बधाई देती हूँ और उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले, बस ये कहती हूँ। अरे टंडन जी के विषय में क्या बताना, हम लोग उनकी क्या गुणगान करें। आज लखनऊ का कार्यकर्ता टंडन जी को किस रूप में याद कर रहा है ये तो कार्यकर्ता के दिल से पूछो कि उनको भगवान के बाद दूसरे रूप भाजपा का कार्यकर्ता उनको देता था। आज बहुत ही अपने को थोड़ा दुखी महसूस कर रहा है कि वो लखनऊ से चले गए हम लोगों के बीच से। उनसे बहुत हम लोगों को आशाएं थी, बहुत कुछ उन्होंने लखनऊ के लिए किया, कार्यकर्ताओं के लिए किया। रात को 12 बजे कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता था तो उनका टेलीफोन कभी बंद नहीं होता था। अरे लखनऊ के कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश और खरोश, वो कार्यकर्ता का निर्माण किया है उन्होंने, एक लखनऊ को अपने बच्चों की तरह से पाला है। और लखनऊ का कार्यकर्ता अगर छोटा हो या बड़ा हो,
अगर बाबूजी के आवास पर पहुंचता था कोई भेदभाव नहीं होता था। अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता जिसको हम छोटा समझते हैं, और बाबूजी की सोच थी कि वो सबसे बड़ा कार्यकर्ता है जो आज छोटा कहा जाता है, जो छोटा कार्यकर्ता बूथ लेवल कार्यकर्ता फ़ोन मिलाता था, फ़ोन मैंने भी मिलाया, बाबूजी ने स्वयं रिसीव किया है मोबाइल 11:30 रात में। एक स्थानीय हमारे पार्षद की समस्या थी, तुरंत उन्होंने जिन शब्दों में जिन अधिकारियों से बोलते थे, वैसे आज कोई हमारा नेता बोल नहीं पा रहा है। बाबूजी प्यार से, पुचकार के, डांट के, हर तरह से जो है बाबू अधिकारी से काम लेते थे, और कार्यकर्ता को सही मार्ग पर ले चलने के लिए पहले तो स्वयं जो पहुंचता था उसी को डांटते थे, इतनी रात को क्यों आ गए, अरे बाबूजी क्या आना था, कहना अच्छा ठीक है बैठो। तो मैं अपनी बताता हूँ, जब कहीं कोई यहाँ दुकान बंद हो जाती थी तो बाबूजी के आवास पर पहुँचते थे तो चाय और मठरी जरूर मिलती थी, जो आज वो परंपरा गोपाल भैया भी निर्वहन कर रहे हैं। देखिए आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है, कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत थे, कार्यकर्ता के संकट मोचन थे। जब जब किसी कार्यकर्ता को कष्ट होता था वो बिल्कुल कवच की तरह खड़े रहते थे और हर कार्यकर्ता की समस्या का निस्तारण करते थे। आज हमारे बीच मुखिया नहीं है, लेकिन मैं आज उनकी मूर्ति लगाने से सच में एक प्रेरणा मिली, पूरे लखनऊ को एक एक चीज़ जंगी है, एक एक गली जानते थे कहाँ पे सीवर है, कहाँ पे मैनहोल है, कहाँ पे पानी गिरता है, कहाँ गोमती की सफाई है। अगर ये कोई काम देखता था तो सच में मानी लालजी टंडन को पूरे लखनऊ की नॉलेज थी और कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत थे। मान लीजिए आपको बताते चले कि लालजी टंडन को सभी लोग बापूजी के नाम से भी जानते थे, सब लोग उनको बापूजी कहकर बुलाते थे। अगर प्रदेश में किसी को कोई भी तरीके की परेशानी होती थी तो सब उन्हीं के पास आते थे, उन्हीं से पूरी जो भी दुख तकलीफ होती थी उन्हीं के पास आके उन्हीं को अपनी पूरी बातें बताते थे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रही है MH Today के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ मैं राहुल जो MH Today लखनऊ।